नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर टू जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. पूछा गया है द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज 1.6 × 10⁻¹⁶ सेकेंड. द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन का जो वैल्यू है वो 2 होता है. ग्राउंड स्टेट में एन का वैल्यू 1 होता है, है ना. तो ग्राउंड स्टेट में टाइम पीरियड दिया गया है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में फ्रिक्वेंसी पूछा गया है. ठीक, तो हम लोग इसको यूज करेंगे. किसी भी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी सपोज है वी और ऑर्बिट का रेडियस है आर, है ना, तो इसका टाइम पीरियड हम लोग लिख सकते हैं 2πr/v. एक रिवोल्यूशन में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितने स्पीड से, वी से, है ना. तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड, ये टाइम इंटरवल बताएगा यानी कि टाइम पीरियड बताएगा, है ना. तो 2π हमें पता है कि किसी भी nth ऑर्बिट में जो रेडियस होता है वो होता है आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना. और जो वी होता है वो होता है वी नॉट जेड बाई एन, ये होता है, है ना. तो अगर यहाँ पर हम लोग आर का वैल्यू रखेंगे यहाँ से आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, और ये हो जाएगा वी को लिखेंगे वी नॉट जेड बाई एन. तो एक्चुअली में जो टाइम पीरियड है ये हो जाएगा एन क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो चूंकि एटम तो हाइड्रोजन एटम ही है इसलिए जेड तो फिक्स्ड रहेगा. टाइम पीरियड ऑर्बिट के हिसाब से कैसे चेंज होगा, इस तरह से टाइम पीरियड जो है वो ऑर्बिट का जो नंबर है उसके थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर कि T2 मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू 2 रखेंगे तो उसमें टाइम पीरियड T2 हो गया. ग्राउंड स्टेट में टाइम पीरियड T1 है तो ये रखेंगे 2³ और 1³ यानी कि 8. तो T2 जो आएगा वो आएगा 8 × T1 का वैल्यू जो है क्वेश्चन में देखेंगे बताया गया है ये 1.6 × 10⁻¹⁶ 1.6 × 10⁻¹⁶ ये हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में टाइम पीरियड. अगर टाइम पीरियड ये है तो उस स्टेट में फ्रिक्वेंसी कितना होगा, 1/टाइम पीरियड यानी 1/8 × 1.6 × 10⁻¹⁶, है ना. तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7.8 × 10⁻¹⁴ और ये आ जाएगा पर सेकेंड में या हर्ट्ज में कह सकते हैं. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. इसमें देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है 7.8 × 10⁻¹⁴ ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें.